आज 3 दिन में पहली बार मुझे ऐसा दिखा कि इस लड़के ने, राहुल ने, अपनी असलियत में बात करी। अभी तक वो एक कैरेक्टर में बैठा हुआ था, मैं पोलाइट, आई एम ट्राइंग टू बी फनी, मैं जोक्स मारूंगा जिसमें किसी को हंसी नहीं आती है। नाम नहीं, नहीं ले अब तक के लिए इस एक हफ्ते। आई एम वेरी ओपन, आई एम वेरी क्या आपको यहाँ पे हर बंदा डबल ढोल का बोल रहा है। आप किस आप वैसे ही हो, आप वैसे ही हो, तेरे जैसे लोग भूखे मरते। फिजिकल स्ट्रेंथ की धमकी दी ना, फिजिकल स्ट्रेंथ की धमकी दी ना ऐसे आदमी में। तुझ पे तुम थोड़े दिन और रुको, हर बंदा यही बोलेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ उसके लिए दो शब्द हैं, पेटी एंड क्रॉस। उसकी गंदी सोच है। इस वक्त पूरा घर खड़ा है, जितने लोग इस घर में तेरे सामने खड़े हैं, तेरे पास खड़े हैं, पूरा घर है ये, और कोई नहीं है। एक आदमी को छोड़ के पूरा घर तेरे पास, यहाँ तेरे भाई तेरे से पिटता है, वो मेरे से पिटता है। हम लोग अच्छे दिखते हैं, हम फिट हैं, हमारे सर पे बाल है। सीधा मैं बोलता हूँ, ठीक है? हाँ अब सुन, तेरा जवाब जो आज तक नहीं आया तेरी खुद की जबान की वजह से, because you are a misogynist, you don't respect women, that's why a woman answer you back। राहुल शांत नहीं रहेगा। राहुल शांत नहीं रहेगा है क्या उसमें फटने लायक? नहीं, आप बदतमीज है ना। उसको मैंने बोला आज कुछ नहीं कर रहा है, चेला बन के घूम रहे हो, बात लग गई ना, आईना दिखाया ना आज। तो मेरा पहला नॉमिनेशन राहुल है। फर्स्ट पर्सन मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा राहुल। मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा राहुल को। पहला नाम लेना चाहूंगी राहुल का। जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं वो राहुल है। मैं शायद उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा कि हमारे बीच में नेगेटिविटी चल रही है। यार डिफेंस करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बातें अफेक्ट नहीं करती। यार मेंटली स्ट्रांग हूँ बट नॉट विदाउट फैमिली। माय फोक्स फैमिली मींस अ लॉट टू मी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो टास्क में मैंने परफॉर्म नहीं किया वो इसलिए बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं था, दैट इज रॉन्ग। कि इस घर पर मेरा ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जिसके साथ मैं बैठ कर दिल की बातें करूँ, एंड जब वो नहीं होता तो मुझे वो वर्थलेस लगता है सब कुछ। जो आज घर से निकलेगा बिकॉज लैक ऑफ एंथुसियाज्म टुवर्ड्स दिस शो, लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस शो। क्या राहुल वैद्य आप इस घर को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो? जी सर, मैं जाना चाहता हूँ। मर्जी से? जी सर, मैं मेरी मर्जी से, सॉरी सॉरी बिग बॉस। आई अगर भागे हो तो भागे हो, मतलब के जंग के मैदान से आप भागे हो। सर भागना ही कहेंगे इसको, हमारा शो छोड़ के आप घर चले गए। अरे यार पूरा देश पागल हो गया था। पूरा मुझे दिख रहा है कि होल हाउस वर्सेस मी, आई कैन सी इट, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेलकम टू द जंगल। अब मैं सब छल
कपट सब बाहर आ रहा है। कितनी गंदी ये अहंकार जो है ना, ये सब दिखाई देता है। सब सफाई कर लो दिल की भी, जरा कान तो साफ हो जाएंगे, दिल का मैल कैसे साफ करूंगी इतने सालों से लेके घूमती हो। सब इतनी बड़ी बकवास है जो सिर्फ तुम्हें है, और इतना एरोगेंस, इतना घमंड, इतना गुरूर लाती कहां से है रुमीना दिले? तू आया ना मेरे पास, अगर दुश्मनी आ गई तो वो भी दिल से करते हैं, अगर चीर फाड़ करने के आ गए तो वो भी दिल से करते हैं। कल मेरा सवाल राहुल रहते के लिए है, सवाल पूछना चाहूंगी राहुल आपसे। राहुल जनता ने फाइट करो, ये जनता ने आपके सामने पेश किया, एक घर से बाहर का आपको झाड़ लगाई गया, उसे वापस लेके आओ, उसे वापस लेके आओ, उसको वापस लेके आया गया, लोगों ने बहुत परेशान किया, उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जनता ने सामने खड़ा कर दिया रुबीना जी के, देखो जी ये है इससे फाइट करो। सही लगता है वो करता हूं कि जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं मैं उन्हें बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं देता। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ।